जय श्री केदार दोस्तों, चार धाम यात्रा 2022 की शुरुआत आज से हो चुकी है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पुलिस के द्वारा जो SOP जारी की गई है चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए, वो क्या है? अगर नहीं तो इसमें आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम बताएंगे आपको कि आप वो SOP कहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किन किन नियमों का पालन करना होगा। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर आप सभी के लिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट और खबर लेकर आते रहते हैं, जिससे आपको अपनी यात्रा में सुविधा हो। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो परेशान होंगे कि चारधाम यात्रा पर जा तो रहे हैं, लेकिन कोरोना की क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या वहां पर नेगेटिव RT-PCR दिखानी पड़ेगी, या क्या आपको वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि आपको जा रहे हैं चारधाम यात्रा पर, तो उत्तराखंड सरकार ने आप सभी की सुविधा के लिए एक फैसला लिया था, जो कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने ये कहा है कि आपको चारधाम यात्रा के लिए किसी भी प्रकार की RT-PCR की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने फ़ोन में या फिर आप जेरोक्स कॉपी अपने साथ लेकर जा सकते हैं अपने वैक्सीनेशन के डोज की, यानी कि आपको अपने दोनों वैक्सीनेशन या फिर सिंगल वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट चारधाम यात्रा के दौरान जहां पर चेकिंग होती है वहां पर दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको पर्यटन विभाग के पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी आप चारधाम यात्रा पर सुविधापूर्वक जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पुलिस की SOP की क्या गाइडलाइंस है चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए। तो यह SOP आपको ट्विटर पर देखने को मिलेगी, जो कि उत्तराखंड पुलिस ने ट्विटर पर जारी की है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस के द्वारा क्या SOP जारी की गई है, जिससे कि आपको नियमों का पता लग सके कि आपको किन नियमों की पालना करनी है। दोस्तों, आपको चारधाम यात्रा के दौरान पूरी यात्रा मार्गों पर मास्क का उपयोग करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप किसी भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं पाए गए, यानी कि आपने मास्क नहीं लगाया है, तो आपको ₹500 का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही आपको कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल ही कड़ाई के साथ में करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि यदि आप जा रहे हैं केदारनाथ धाम की यात्रा या फिर चारधाम यात्रा पर, तो आप अपने साथ डिस्पोजेबल मास्क लेकर जा सकते हैं, ताकि आपको ना तो यात्रा मार्ग में मास्क यूज़ करने में परेशानी हो और ना ही आपको उन्हें वॉश करने का झंझट हो। तो यदि आप अपने साथ एक पैकेट डिस्पोजेबल मास्क लेकर जाते हैं यूज एंड थ्रो वाले, तो वो आपके लिए बेहद ही सुविधाजनक होंगे और आप ₹500 के जुर्माने से भी बच जाएंगे। इसके अलावा आप पर्यटन विभाग के पोर्टल पर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, आगे अपने आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि आप किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं स्मार्टफोन के द्वारा। तो आप कल सुबह का वीडियो देखना न भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, जिन्हें की जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री केदार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। हर हर महादेव।